हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और क्या आपने कभी सोचा है कि शेर के जबड़ों को भी हिला देने वाले मजबूत शेल्स के साथ फीमेल पेंगोलिन अपने बच्चों को कैसे जन्म देती होगी? दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी भी मछली है जो अपने पापा फिश के मुंह में जन्म लेती है, और जब तक वो अंडे से बाहर नहीं आती तब तक बेचारे पिताश्री अंडों को मुंह में लेके बिना कुछ खाए पिए उनकी देखभाल करते रहते हैं। अब अगर मैं कहूं कि इतने गोल मटोल और भारी भरकम पांडा के बच्चों का साइज चूहे के बच्चों जैसा होता है तो क्या आप मानेंगे? लेकिन सच यही है, पर कैसे? इस सवाल का जवाब ऐसे ही अजब जानवरों की गजब बर्थ स्टोरी मैं बताने वाला हूं आपको इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल इनक्रेडिबल एनिमल बर्थ। नंबर 1, येलो हेडेड जॉफिश। गाइज, अब तक आपने जानवरों को बिल में या घोंसले में अंडे छुपाते देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी मेल फिश को इस तरह अपने अंडे पालते देखा है? इस मछली का नाम है येलो हेडेड जॉफिश। इनकी मेटिंग के बाद जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है और फीमेल अंडे दे देती है तो उन सारे अंडों को पापा फिश बटोर कर अपने मुंह में दबा लेते हैं, जिससे उनके अंडे गंदे ना हो और उन पर किसी शिकारी की बुरी नजर ना पड़े। इन अंडों की संख्या 50 से 55 के आसपास होती है और पिताजी इन अंडों को बिना कुछ खाए पिए तब तक मुंह में रखते हैं जब तक अंडे हैच नहीं होते। पर कभी कभी ये देखने के लिए इन अंडों को जरूर बाहर निकालते हैं कि मेरे नन्हे मुन्ने ठीक तो हैं, वो अच्छी तरह हाइड्रेट हैं या नहीं। जब सब ठीक ठाक लगता है तो उन्हें वापस कुछ 6 सेकंड में फिर से मुंह में ले लेते हैं। और ये मुंह में अंडे रखने का प्रोसेस 5 से 7 दिन तक चलता है। जब अंडे खुद ही हैच होने लगते हैं तो इनके मुंह से छोटे छोटे जॉफिश बाहर आने लगते हैं। लेकिन पापा फिश की ड्यूटी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि जब तक बच्चे खुद से खाने पीने नहीं लगते तब तक उनको खिलाने की जिम्मेदारी भी पापा फिश ही उठाते हैं। और जब बच्चे पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो पिताजी अपने नन्हे मुन्नो को टाटा बाय बाय बोलकर उनके नए भाई बहनों की जुगाड़ में निकल पड़ते हैं। नंबर 2, कोकोनट क्रैब। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े केकड़े के बारे में, जिसका वजन 4 से 5 किलो तक हो सकता है और उसके जितने भी पैर होते हैं वो सब 1 मीटर जितने लंबे हो सकते हैं। कोकोनट क्रैब के पैदा होते ही इनकी माँ इन्हें इनके हाल पर छोड़ देती है और ये अपना ख्याल खुद रखने लगते हैं। इन केकड़ों का प्रेम मिलाप सेशन होता है मई से सितंबर के बीच, जब मेल अपने स्पर्म्स फीमेल के एब्डोमेन के ऊपर छोड़ देता है और फीमेल अपनी बॉडी के ऊपरी सतह पर चिपके अंडों को फर्टिलाइज करती है। उसके बाद अपने पेट पर चिपके इनफर्टिलाइज अंडों को सेने के ये समंदर के किनारों पर चली जाती है और वहीं बैठकर उनको हाइड्रेट करती है। जब ये अंडे पूरी तरह मैच्योर होकर फूट जाते हैं तो इनमें से छोटे छोटे लार्वा निकल आते हैं, जिन्हें समुद्र के हाई टाइड एरिया में अपने हाल पर छोड़कर मम्मी क्रैब वापस रेतीले एरिया में चली जाती है। लेकिन वो अंडे के छिलके यानी उन लार्वा के खोल मम्मी क्रैब के पेट पर ही चिपके रह जाते हैं, जिन्हें वो खा जाती है। समुद्र में जाने के बाद ये लार्वा लगभग 1 महीने तक वहीं रहते हैं और छोटे मोटे कीड़ों का शिकार करके उन्हें खाते हैं। लेकिन कई बार समुद्र के अंदर वो खुद से बड़े जानवरों का शिकार भी बन जाते हैं। अब ये लार्वा जैसे जैसे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो खुद को जानवरों से बचाने और शिकार को धोखा देने के लिए समुद्र की खाली सीपियों में घुसकर रहने लगते हैं। और जब ये पूरी तरह एक क्रैब का रूप ले लेते हैं तो समुद्र के बाहर आने लगते हैं और रेत में छुपकर शिकार करते हैं। पर जब इनका साइज बदलने लगता है और उस शेल में ये समा नहीं पाते तो ये नारियल का शेल या किसी मजबूत और बड़े खोल को अपना घर बनाते हैं। और जब ये पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं तो बिना शेल के ही रहने लगते हैं। साथ ही इनमें सूंघ कर अपने शिकार तक पहुंचने के लिए स्मेलिंग सेंसेस भी डेवलप होने लगते हैं। ये कोकोनट क्रैब सड़ी गली चीजों या कई दिनों से मरे हुए जानवरों की बॉडी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद भी ये कम से कम 40 साल और ज्यादा से ज्यादा 120 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इनके डंक इतने मजबूत होते हैं कि ये नारियल या अखरोट को अपने डंक से दबाकर आराम से तोड़ सकते हैं। तो जरा सोचो, छोटे मोटे जानवरों का ये क्या हाल करते होंगे। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, आजकल हर कोई बिटकॉइन और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए सही प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हो तो पॉकेट ऑप्शन प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल सही है। ये एक बाइनरी और फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 100 से भी ज्यादा एसेट्स पर ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। स्टॉक्स ऑफ बिग कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम एटसेट्रा। आप यहां पर करेंसीज गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड और इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आता तो पॉकेट ऑप्शन ऑफर करता है ट्यूटोरियल्स, गाइड, स्ट्रेटजीज टू लर्न। यहां पर आप पैसे कमा सकते हो सोशल ट्रेडिंग के थ्रू, जिसमें आप किसी एक्सपर्ट ट्रेडर को सिर्फ कॉपी करके उनकी स्ट्रेटजीज छापे पैसे भी कमा सकते हो। पॉकेट ऑप्शन आल्सो ऑफर्स यू डेमो अकाउंट टू प्रैक्टिस ट्रेडिंग, और आपको $10,000 का वर्चुअल कैश मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए अपने डेमो अकाउंट में। यहाँ पर आप पैसे बड़े आसानी से डिपॉजिट या विद्रॉ कर सकते हो अपने मोबीक्विक, जियो मनी, एयरटेल मनी वॉलेट से, इवन ओला मनी, फोन पे और लोकल बैंक ट्रांसफर भी ये सपोर्ट करता है। मिनिमम ट्रेड अमाउंट यहाँ पर है $1 यानी कि ₹75 और ₹0 कमीशन आपको चार्ज होता है ऑन डिपॉजिट एंड विद्रॉल। ये प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड और एप्पल दोनों में अवेलेबल है। सो अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट ट्रेडिंग विद पॉकेट ऑप्शन। नंबर 3, स्ट्रॉबेरी पॉइजन डैट फ्रॉग्स।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बर्थ प्रोसेस के बारे में जिसमें पापा एनिमल अपने बेबी टूबी पर सुसु कर करके उन्हें बड़ा करते हैं। और इस अतरंगी जानवर का नाम है स्ट्रॉबेरी पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इनके बच्चे सारे जानवरों में सबसे भाग्यशाली होते हैं क्योंकि इनके जन्म से लेकर बड़े होने तक इनके माँ बाप इनके साथ ही रहते हैं। फीमेल स्ट्रॉबेरी पॉइजन डार्ट फ्रॉग मेटिंग के लिए किसी खास और हेल्दी मेल को चुनने के बजाय अपने बिल्कुल पास में रहने वाले मेल को चुनती है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद वो पेड़ों के पत्ते पर 5 से 6 अंडे दे देती है। उसके बाद शुरू होती है मेल फ्रॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन अंडों को हाइड्रेट करने के लिए पापा फ्रॉग इन पर सुसु करते हैं जिससे उन्हें गर्मी के साथ साथ नमी भी मिले। साथ ही पिताश्री दिन रात इन अंडों की रखवाली भी करते हैं ताकि यहाँ कोई शिकारी आकर उनके अंडे न खा जाए। और जब ये अंडे धीरे धीरे हैच होने लगते हैं तो मम्मी फ्रॉग इन टैडपोल्स को अपने पीठ पर बैठा कर एक दूसरे से दूर कर देती है क्योंकि ये इतने भूखे होते हैं कि एक दूसरे का ही गेम बजा डालते हैं। और जब तक ये टैडपोल्स छोटे छोटे मेंढक बनकर अपना शिकार खुद से नहीं ढूंढने लगते तब तक मम्मी फ्रॉग इन टैडपोल्स के खाने के लिए अपने अनफर्टिलाइज्ड अंडे देती है जिससे इनका पेट भर सके। साथ ही पापा फ्रॉग इन टैडपोल्स पर पूरी निगरानी रखता है। और फाइनली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मम्मी पापा वापस से चल देते हैं अपना नया गोल अचीव करने। नंबर 4 पैंडा। और जरा सोचो भारी भरकम से दिखने वाले ब्लैक एंड व्हाइट पांडा के बच्चे कैसे होते होंगे? उनकी तरह फ्लफी मोटे तगड़े नहीं बल्कि चूहों के बच्चे जितने बड़े। ये हैं बड़े से गोल मटोल पांडा के छोटू सा बेबी पांडा। पर कैसे? जब जानवर बड़ा तो बच्चा भी तो बड़ा ही होना चाहिए ना। तो इसके पीछे का रीजन है कुपोषण। जी हाँ, माल न्यूट्रिशन की वजह से इन भारी भरकम पांडा के बच्चे एकदम छोटे छोटे होते हैं क्योंकि ये पांडा सिर्फ बैम्बूज खाते हैं जो इनके बच्चों के नूरिशमेंट के लिए सफिशियंट नहीं होता। इसकी वजह से इनके बच्चों की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग और साइज में बड़ी नहीं होती। पांडा 80 से 100 दिनों की प्रेगनेंसी के बाद बहुत दर्द झेल के एक या दो बच्चों को जन्म देते हैं जिनका वजन 100 या 150 ग्राम के आसपास होता है और रंग एकदम पिंक चूहे के बच्चे जैसा। इन्हें देखकर आप कह भी नहीं सकते कि ये पांडा के बच्चे हैं। जन्म से लेकर 2 महीनों तक इन बच्चों की आंखें बंद रहती हैं। इसके अलावा किस बच्चे को माँ का प्यार मिलने वाला है वो उसके हेल्थ पर डिपेंड करता है क्योंकि जो बच्चा ज्यादा हेल्दी होता है मम्मी पांडा उसे अपना लेती है और कमजोर वाले को खुद से अलग कर देती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि उसकी बॉडी में इतना ही दूध और ताकत होती है कि वो सिर्फ एक बच्चे को ही पाल सकती है। ऐसे में अगर कोई पांडा जू में होता है तो जू वर्कर्स मम्मी पांडा की नजरों से बचाकर इन बच्चों को टाइम टाइम पर चेंज करते रहते हैं जिससे दोनों को माँ का दूध और प्यार मिल सके। ऐसे में दोनों ही पल जाते हैं और मम्मी पांडा को पता भी नहीं चलता। नंबर 5 जैक्सन कैमेलियन। अब वैसे तो सारे कैमेलियन अंडे देते हैं लेकिन दुनिया में एक ऐसा विचित्र कैमेलियन भी है जो सीधा बच्चे देता है। इस कैमेलियन का नाम है जैक्सन कैमेलियन जो 4 से 6 महीनों की प्रेगनेंसी के बाद 8 से 30 बच्चे एक बार में एकदम गोली की रफ्तार से देती है। अब इतने सारे बच्चे पेट में पालना आसान बात है क्या? नहीं जी, बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन इसका केस थोड़ा अलग है। दरअसल अंडे तो इसके भी होते हैं लेकिन इसके यॉक्स किसी कठोर खोल में नहीं बल्कि एक चिपचिपे मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं जिसे मम्मी कैमेलियन अपने पेट में ही डिहाइड्रेट कर देती है। अब जैसे ही ये अंडे मैच्योर होने लगते हैं कैमेलियन बच्चों को जन्म दे देती है। फिर जन्म के 2 महीने बाद ही ये जवान हो जाते हैं और आने वाले 1-2 महीने में ये भी अंडे देने लायक बन जाते हैं। मतलब इनकी पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ती है, साथ ही इनका डेवलपमेंट भी काफी तेज होता है। नंबर 6 पेंगोलिन। चलो फिर अब बात करते हैं पेंगोलिन्स की, जिनकी बॉडी पर इतने मजबूत शेल्स होते हैं कि शेर के मजबूत जबड़े भी इन्हें नहीं तोड़ पाते। तो जरा सोचो इनके बच्चे कैसे होते होंगे क्योंकि इनकी बॉडी पर जन्म से ही ऐसा कवच होता है। अब अगर हम इनके जन्म देने की बात करें तो इन बेबी पेंगोलिन्स को जन्म देने के लिए फीमेल पेंगोलिन को 4 से 5 महीनों का इंतजार करना पड़ता है और जन्म देते वक्त मम्मी पेंगोलिन किसी सुनसान जगह पर चली जाती है ताकि उसके बच्चे के शेल सॉफ्ट होने की वजह से कोई जानवर उन पर हमला करके उसे खा ना जाए। साथ ही जन्म देने के समय भी वो अपने शेल से एक प्रोटेक्शन सर्कल बना लेती है जिसमें वो अपने बच्चों को जन्म देती है। डिलीवरी के वक्त उनका ये प्रोटेक्शन शेल काफी सॉफ्ट होते हैं जिससे फीमेल को इन्हें पुश करने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती। पर जैसे जैसे ये बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे इनके ये क्रेटिन शेल भी मजबूत होने लगते हैं और ये बच्चे भी कुछ दिनों में एक नॉर्मल पेंगोलिन जैसे सख्त और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जब तक ये खुद से शिकार नहीं करने लगते इनकी मम्मी पेंगोलिन इनके साथ रहती है और जब ये खुद का प्रोटेक्शन और शिकार करने के लिए इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो मम्मी पेंगोलिन भी इनसे अलग हो जाती है। नंबर 7 ओरैंगुटन। अब एक ऐसे जानवर की बात करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल इंसानों की तरह बच्चों को जन्म देता है और खास बात यह है कि अपने डिलीवरी से लेकर बच्चे को साफ सुथरा करने तक का सारा काम वो इंसानों की तरह बड़े ही परफेक्शन के साथ करते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ ओरैंगुटन्स की, जो लगभग 8.5 महीनों की प्रेगनेंसी के बाद एक बच्चे को जन्म देते हैं और अपने ही हाथों से अपनी डिलीवरी करते हैं। फिर जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसे गोद में लेकर उसकी बॉडी पर लगा म्यूकस चाट कर साफ करते हैं। फिर उसकी धड़कन जानने के लिए उसकी पूरी बॉडी को
अपने मुंह से सहलाते हैं, जिसके बाद अगर बच्चा रिस्पांस करता है तो उसे बिल्कुल इंसानी मम्मी की तरह दूध पिलाते हैं और वो सारी रिस्पांसिबिलिटीज बखूबी निभाते हैं जो एक जिम्मेदार पेरेंट्स का फर्ज होता है। सो गाइज, हर माँ अपने बच्चे को जन्म देने और पालने का साहस होता है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। सो मातृ शक्ति को एक सलाम तो बनता है। साथ ही इन सब के अलावा और कौन से ऐसे जानवर हैं जिनकी प्रेगनेंसी बाकी सबसे काफी डिफरेंट होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, मेरे चैनल फैक्ट भाई को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।